आप देख रहे हैं मेरा चैनल आसान सॉल्यूशन। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। आइए चालू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल जिसका नाम है एक्सेल टू टैली यूटिलिटी। ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। यदि आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सेल टू टैली डाटा एक्सपोर्ट यूटिलिटी। इस वीडियो के अंदर मैं इस यूटिलिटी को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। आप इस एक्सेल फाइल को मेरी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस एक्सेल फाइल को मैंने नहीं बनाया है, जिन्होंने भी इसको बनाया है मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ इस एक्सेल फाइल के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है कि ये एक्सेल फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, और यदि आप इसके लिए कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो इन्होंने अपने बैंक की डिटेल प्रोवाइड कराई है। इस डोनेशन का ये इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए करेंगे, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में इन्होंने अपने मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराए हैं। आइए हम सीखते हैं कैसे इसका यूज़ करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने डाटा का बैकअप ज़रूर ले लीजिए ताकि कोई गड़बड़ हो तो हम वापस से उसे रिस्टोर कर सकें। अब आइए हम एक्सपोर्ट लेज़र की तरफ चलते हैं, जो शीट नंबर सेकंड है, एक्सपोर्ट लेज़र। एक्सपोर्ट लेज़र के थ्रू आप अपनी टैली में कोई लेज़र्स, बहुत सारे लेज़र्स आपको बनाने हैं एक साथ, तो आप इस शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप नेम ऑफ कंपनी में, यहाँ आपको जगह दिख रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, जिस भी कंपनी के अंदर आप लेज़र्स को इम्पोर्ट कराना चाहते हैं टैली के अंदर। उसके बाद आपको लेज़र्स का नाम लिखना है, जो भी आप लेज़र्स बनाना चाहते हैं टैली के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ श्री गणेश एंटरप्राइजेस, और ग्रुप ग्रुप आप यहाँ पर क्लिक किए और ग्रुप आपके यहाँ सारे दिखेंगे आपको। जैसे मैं सन्ड्री डेटर्स से यहाँ चूज़ करता हूँ सन्ड्री डेटर्स। ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका कोई भी ओपनिंग बैलेंस है पार्टी का तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद देख, मैं और बना के दिखाता हूँ आपको, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के नाम से एक और बनाएंगे हम। उसके बाद इसका ग्रुप, ग्रुप डालने के लिए आप शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट जेड, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट जेड, आप प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जेड यहाँ प्रेस करेंगे, अब आपको इस यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही लिखिए। जैसे सन्ड्री क्रिएटर मैंने यहाँ टाइप किया तो सन्ड्री क्रिएटर डायरेक्ट आ गया, और इंसर्ट ग्रुप पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आपका वो ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद इसका भी बैलेंस हमें लिखना है, जो भी मैं डालना चाहूँ। ओके, इसी तरह आप जो भी लेज़र्स यहाँ डालना चाहते हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं, बैंक का लेज़र हो चाहे कोई भी लेज़र हो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अंदर जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो आप सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेज़र्स बनाएंगे उनके अंदर जीएसटी की डिटेल आप नहीं डाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जीएसटी डिटेल के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम इसी को सीखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको ये एक्सेल फाइल मिलेगी वो इस तरह से एक फ़ोल्डर के नाम से मिलेगी। इस फोल्डर में आपके तीन फाइल होंगी, एक तो रीडमी और एक एक्सेल टैली और एक एमएसवी के नाम से। एमएसवी ये बता रही है कि आपके जो एक्सएमएल फाइल है वो इस तरह से जनरेट होगी। अब आप देख सकते हैं तीन फाइलें, चौथी कोई भी फाइल नहीं है, अपन जनरेट करेंगे तो एक फ़ाइल और बन जाएगी। आइए एक्सेल के अंदर आते हैं। एक्सेल में आपके ये लेजर्स हैं जो आपको टैली के अंदर ले जाने हैं, इसलिए अपन जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी एक्सएमएल फाइल बन गई है। लोकेशन भी वही लोकेशन आ रही है जिसमें हमारी ये मेन फाइल सेव है। ओके हम करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मास्टर नाम से एक फ़ाइल और बन करके आ गई है। अब इस मास्टर फाइल को हमें टैली के अंदर इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले इस मास्टर फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप राइट बटन क्लिक कीजिए और ओपन विथ पर क्लिक कीजिए। ओपन विथ में आपके एक्सएमएल एडिटर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल, कहने का मतलब है गूगल क्रोम के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरे एक्सएमएल एडिटर आ रहा है, मैं ओपन करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र सेट होगा उसके अंदर ये खुल जाएगा। इसके अंदर आपको ये जो पूरी पाथ आ रहा है उसको कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब टैली के अंदर आएंगे। टैली में आपको इंपोर्ट करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये लेजर्स मेरे ऑलरेडी टैली में है या नहीं है। हाँ, तो डिस्प्ले
अकाउंट बुक और लेज़र के अंदर आप जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे श्री कृष्ण के नाम से। श्री कृष्ण के नाम से मेरा कोई भी नहीं है, श्री कृष्णा के नाम से और श्री गणेश के नाम से भी मेरा कोई भी लेज़र नहीं है। अब इंपोर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, इंपोर्ट करने से आपके दोनों लेज़र आपको दिखाई देने लगेंगे। गेटवे ऑफ टेली में आपको आना है। गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद इंपोर्ट डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ आपको मास्टर्स पर क्लिक करना है। मास्टर्स पर क्लिक करने के बाद वो लोकेशन जो आपने कॉपी करी है उसको कंट्रोल एल्ट और वी, कंट्रोल एल्ट वी के साथ एंटर करना है। और यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस भी कॉपी करने हैं तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, दूसरा है इग्नोर डुप्लीकेट्स, अगर आपने कोई गलती से वो लेजर्स इंपोर्ट कर लिए हैं जो ऑलरेडी हैं तो आप इग्नोर डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, और मॉडिफाई विद न्यू डाटा, कुछ भी है कुछ भी मॉडिफाई किया है वही मॉडिफाई हो जाए तो विद मॉडिफाई विद न्यू डाटा पर क्लिक करना है। मैं मॉडिफाई विद न्यू डाटा पर क्लिक करके एंटर करूँगा तो ये आपको पट्टी दिखाई दी और इस तरह से आपकी इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप वापस लेजर चेक कीजिए, डिस्प्ले एल्ट काउंट्स बुक्स और लेजर, लेजर में श्री कृष्ण के नाम से था, श्री कृष्णा के नाम से आ गया, श्री गणेश के नाम से था, श्री गणेश के नाम से आ गया। तो मैं समझता हूँ अब आपको लेजर्स टैली के अंदर इंपोर्ट करना आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट लेजर सीखने के बाद हम आते हैं एस सी वाउचर एंट्री वाली सीट पर। एस का मतलब है कि सिंगल एंट्री, कि आप इस सीट से केवल सिंगल टाइप की एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो आप पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं, जो भी एंट्री आप चाहो वो सिलेक्ट करके यहाँ से कर सकते हैं। और सी का मतलब है कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड मतलब कि आपके एक ही एंट्री के अंदर चार पांच अगर लेजर्स इन्वॉल्व है तो वो भी एंट्री आप इससे कर सकते हैं, दो तो आप कर ही सकते हैं, दो से ज़्यादा अगर आपके लेजर्स इन्वॉल्व है एक एंट्री के अंदर वो भी एंट्री आप इससे कर सकते हैं। चलो एक एंट्री करके हम सीखते हैं। यहाँ मैं 1 फरवरी 2018 को एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक डाला है और यहाँ मंथ 2 डाला है। अब मुझे लेज़र डालना है, लेकिन लेज़र डालने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके टैली के अंदर लेज़र है वो ही एग्जैक्ट मैच होना चाहिए यहाँ जो भी आप लेज़र का नाम डाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है हमसे गड़बड़ हो जाए, तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस और करनी है। हम टैली के अंदर आएंगे, टैली में आने के बाद यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको डिस्प्ले प्रेस करना है, यहाँ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आना है और यहाँ एक्सपोर्ट बटन पर प्रेस करना है, यहाँ नो प्रेस करना है और फॉर्मेट के अंदर HTML वेब पब्लिशिंग आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका लोकेशन, किसी भी लोकेशन पर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा कि आप इसको उसी लोकेशन पर एक्सपोर्ट कर दीजिए जहाँ पर आपकी एक्सेल फाइल आप सेव करने वाले हैं, हटाइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल एल्टर वी के साथ, एंटर एंटर प्रेस कीजिए, आपकी ये फाइल इस तरह से दिखेगी आपको। अब एक बार फोल्डर देख लीजिए, फोल्डर के अंदर मास्टर नाम से एक फाइल आपकी HTML फाइल बन चुकी है। अब हमें वापस एक्सेल फाइल के अंदर आना है और यहाँ लेज़र का नाम के लिए एल टाइप प्रेस करेंगे, एल टाइप प्रेस करने के बाद गेट लेजर पर क्लिक करना है और हमें वो फाइल चूज करनी है जो अभी हमने एक्सपोर्ट करी है, मास्टर नाम से फाइल थी, ओपन करेंगे, ये थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे को फर्स्ट सीट पर ये वापस छोड़ देगा, इसको बंद कीजिए, बंद करने के बाद वापस हमारी अपनी वाली सीट पर आ जाइए। अब यहाँ एल टाइप प्रेस कीजिए, एल टाइप प्रेस करने के बाद आप सारे लेजर्स देख सकते हैं जो आपकी टैली के अंदर थे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि वो सारे लेजर्स आपके इंपोर्ट हो चुके हैं जो आपके अभी टैली के अंदर देख पा रहे थे। यहाँ से मैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ, इंसर्ट लेजर पर क्लिक कीजिए, यहाँ इफेक्ट के अंदर आपको सेलेक्ट करना है डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको अमाउंट डालना है। उसके बाद एल टाइप वापस प्रेस करना है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है लेजर, जैसे मान लीजिए मैं कैश से स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, इंसर्ट लेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी यहाँ डेबिट किया है तो यहाँ हमें क्रेडिट करना है और यहाँ वापस हमें अमाउंट डालना है। फाइल जनरेट करने के लिए हमें जनरेट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ वही मैसेज जो पहले आ रहा था वो आ चुका है, ओके हम करेंगे, ओके करने पर ये कुछ एरर भी हमें दिखा रहा है, हमें इसको इग्नोर करना है, ओके एक बार वापस प्रेस करना है, इसको बंद करना है जो भी आपके सामने खुला है। उसके बाद आप देखिए कि आपके पास क्या एक फ़ाइल बनी है पेमेंट के नाम से, पेमेंट के नाम से फाइल बन गई है, राइट बटन क्लिक कीजिए, इसको ओपन विथ कीजिए XML एडिटर के अंदर, यहाँ लोकेशन कॉपी कीजिए
और टेली के अंदर इंपोर्ट के अंदर आना है, और यहाँ अब वाउचर के अंदर आना है। वाउचर में आने के बाद आपको वो लोकेशन पेस्ट करनी है, कंट्रोल एंटर वी से हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो हम इस तरह से पट्टी चलेगी और वो हमारे एंट्रियाँ इसके अंदर आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर, लेजर खोलिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस आप दोनों एंट्री देख सकते हैं। फर्स्ट एंट्री 500 की है, सेकंड एंट्री में बैंक भी इन्वॉल्व है और कैश भी इन्वॉल्व है। SDC वाउचर एंट्री सीखने के बाद हम नेक्स्ट शीट पे आते हैं, जिसका नाम है MDC वाउचर एंट्री। आप देख सकते हैं इस शीट पर आप मल्टीपल वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ परचेज सेल पेमेंट रिसीट कंट्रास्ट जनरल एंट्री एक साथ करी है, एक ही शीट पर करी है। आप अगर एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ ध्यान रखिए, आपकी डे जो होगी वो 1/2/31 होगी, इसके अलावा कोई दूसरी डेट ये एक्सेप्ट कर तो लेगा, लेकिन आप जब टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे वहाँ आपकी फाइल इंपोर्ट नहीं होगी। उसके बाद आपको लेजर्स डालने हैं, लेजर मैंने आपको अभी बताया LTI करके आप लेजर डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारे कंपाउंड लेजर इस एंट्री के अंदर जितने भी लेजर्स आपके इफेक्ट हो रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। इसमें बेसिकली 5 लेजर्स आपके डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 5, और लास्ट में इन्होंने फैसिलिटी दी है नरेशन डालने की, आप नरेशन भी यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं इस शीट के अंदर और मल्टीपल वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ 6 एंट्री करके दिखाई है अलग अलग टाइप की। अब आप इसे इंपोर्ट करके देखते हैं, जनरेट पर क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके करेंगे, इसके बाद एरर का मैसेज आएगा, इसको भी ओके करेंगे, और ये एरर वाली शीट आ रही है इसको भी, इसको अपन बंद करेंगे। एरर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कई बार फ़र्क पड़ता है हमारे, देखते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसलिए इसको क्लोज़ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनी है MCV के नाम से। अब इस MCV फाइल को हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करेंगे, ओपन पिथ में जाएंगे और यहाँ XML एडिटर पर क्लिक करेंगे। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, इस बात को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम टैली के अंदर आएंगे, तो पहले मैं इंपोर्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री मेरे टैली में ऑलरेडी है या नहीं है। जैसे महादेव एंटरप्राइजेज का मैं लेजर खोल देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ कोई एंट्री नहीं है। इसी तरह राजस्थान कंपनी में कोई एंट्री नहीं है, डेप्रिसिएशन के अंदर भी कोई एंट्री नहीं है, और हमारे इंडियन बैंक के अंदर भी कोई एंट्री नहीं है। अब हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में खड़े होकर इम्पोर्ट डाटा में जाना है, उसके बाद वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपने जो अभी पाथ कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है कंट्रोल एल्टर और वी के साथ, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक पट्टी चलेगी, इस पट्टी पूरी चलने का मतलब है आपकी एंट्रियाँ आ चुकी हैं टैली के अंदर। आप देख सकते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स लेजर, लेजर के अंदर महादेव एंटरप्राइजेज डालिए, यहाँ आपको 2 एंट्रियाँ दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान कंपनी डालिए, 2 एंट्रियाँ दिख रही हैं। इंडियन बैंक डालिए, 2 एंट्रियाँ दिख रही है। डेप्रिसिएशन डालिए, आपको एंट्रियाँ दिख रही हैं। इस तरह से आप किसी भी टाइप की एंट्री को टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको इस वीडियो में तरीका बताया है वो स्टॉक एंट्री का नहीं बताया है अभी तक, कि हम स्टॉक के साथ एंट्रीज को कैसे इंपोर्ट करेंगे, परचेज की सेल की एंट्री को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारा स्टॉक भी इन्वॉल्व है तो स्टॉक की एंट्रीज को हम टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।